और अब एक सवाल कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दाग अच्छे लगते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अजित शाश्वत को लेकर बिहार की राजनीति गर्म। भागलपुर में जुलूस को लेकर अजित के खिलाफ वारंट जारी है। पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए अजित ने पटना में न सिर्फ रैली निकाली बल्कि फेसबुक लाइव के जरिए भाषण भी दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या मोदी के मंत्री के दबाव में नीतीश कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? यह वो तस्वीरें जिनके जरिए बिहार में विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया है। तस्वीरें हैं पटना में रामनवमी के जुलूस निकाले जाने की, जिसमें तलवार पकड़े नजर आए अजित शाश्वत। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर कैसे वारंट को धता बताकर अजित इस जुलूस में शामिल हुए और क्यों नीतीश की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? कहां भाई छुपे हुए हैं? क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? इसलिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से सरकार में है और बीजेपी को अगर जहां नाराज करेंगे तो जो कुर्सी का जो प्यार नीतीश चाचा जी को है वो कुर्सी उनके हाथों से छिन जाएगा। विपक्ष के सवाल की वजह भी है रामनवमी के जुलूस में न सिर्फ फर्जी शामिल हुए बल्कि फेसबुक लाइव भी किया। अजित से पूछा गया क्या वो पुलिस से भाग रहे हैं, तो उनका जवाब सुनिए। जो आपके सामने में है, मैं तो न्यायालय के शरण में हूं। भागते वो हैं, खोजना उनको पड़ता है जो कहीं गायब हो गया। आइए अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसके आधार पर अजित शाश्वत के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। ये तस्वीरें 17 मार्च की है। अजित चौबे के जुलूस के बाद भागलपुर के नाथनगर इलाके में हिंसा भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक अजित के नेतृत्व में निकाले इस जुलूस के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी। अजित का भाषण सुनने के बाद आईपीसी की धारा 153A और 295A जैसी संगीन धाराएं लगाई गई। ये धाराएं सांप्रदायिक भावना को भड़काने वालों के खिलाफ लगाई जाती हैं। मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे ने बेटे के बचाव में FIR को कागज का पुलिंदा कह दिया। मैं कह रहा हूँ FIR कुछ भी नहीं है, वो रद्दी का टुकड़ा नहीं है, वो पूरी तरह फेंकने के लायक है। वो कागज का पुलिंदा उन तमाम भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों ने, वहाँ के नाथनगर थाना के जो इंस्पेक्टर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी इस मामले में बचाव की मुद्रा में है, वहीं JDU कह रहा है कि हर आरोपी पर कार्रवाई होगी। देखिए, कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। कानून अपना काम करता है, नीतीश कुमार जी का राज है, न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। वहीं औरंगाबाद से भी आज हिंसा की खबर। कल रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद से औरंगाबाद में माहौल खराब था। आज फिर रामनवमी का जुलूस निकालने की कोशिश हुई जिसके बाद हालात बिगड़ गए। औरंगाबाद में धारा 144 लागू की गई है। इस बात को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। नीतीश को उनके राजनीतिक स्टाइल के चलते सुशासन बाबू के तौर पर जाना जाता था। इसके दो पहलू थे, एक भ्रष्टाचार रहित शासन और दूसरा सांप्रदायिकता को किनारे कर विकास पर ध्यान। बीजेपी ने भ्रष्टाचार पर वार कर लालू से नीतीश को दूर किया, तो अब RJD सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाकर निशाना साधने की कोशिश में है। दिबांग, बहुत बुरे फंस गए हैं क्या नीतीश कुमार? जब लालू के साथ थे तो भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़ते थे लालू की वजह से, और अब बीजेपी के साथ आए हैं तो सांप्रदायिकता के जो दाग हैं यही नहीं धुलने का नाम ले रहे हैं। जी, इस तरीके से देखें तो नीतीश कुमार काफी बुरे फंस गए हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अश्विनी चौबे जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो वाकई में शर्मनाक है। उनकी वहाँ पर सरकार, साझा सरकार चल रही है और आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लोगों के बारे में, और एक गुड गवर्नेंस की जो कोशिश वहाँ पर हो रही है उसमें मुझे लगता है कि इस तरह के नेता हैं अश्विनी चौबे जैसे, वैसे नेताओं से तो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो भी बुरा फंसा। मतलब आप करेंगे क्या? वैसे अगर आप देखें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार से कभी खुश नहीं रहे, उनकी राजनीति से कभी खुश नहीं। गिरिराज सिंह उसमें एक और हैं, तो वो लगातार उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इस सब में हो ये रहा है कि पिताजी जेल में हैं, उसके बावजूद तेजस्वी जो हैं वो दहाड़ रहे हैं, उनकी आवाज़ गूंज रही है बिहार में। तो इस तरह की फांक जो है ये बीजेपी के नेता उनकी अपनी राजनीति की वजह से हो रही है, और मुझे लगता है कि जो केंद्र में भी जो उनका नेतृत्व है वो भी उसको एक तरीके से
उस पर उसको अनदेखा कर रहा है। तो ये एक बहुत ही रोचक खेल चल रहा है वहां पर, जिसमें आप बांधे भी रहिए और उनको दूर भी रखिए। बिल्कुल, और विपक्ष के हाथ में एक बैठे बिठाए बड़ा हथियार, बड़ा मुद्दा आ गया है, जिससे लगातार नीतीश के सुशासन पर विपक्ष बिहार में वार कर रहा है। आ रहा हूं मैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।